हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम फौजी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एसएससी जीडी रेमेडिकल के बारे में, जो बीपी, एक्सरे और यूरिन में दिया है मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो भाई, मैं आप सभी दोस्तों को एक टिप्स दूंगा, वो आप मान लो तो आप पास हो जाओगे मेरे ख्याल से। भाई देखो, जब आप रेमेडिकल सेंटर में जाओगे, ये जो बीपी का बंदा है ना, बीपी में एक ऐसा प्रॉब्लम है कि ये डिपेंड करता है जो बंदा का दिया है उसके ऊपर। इसमें क्या होता है, 90% फेल भी हो जाता है और पास भी हो जाता है। इससे कोई डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो फ्रेंड्स, कुछ टिप्स ऐसा है, देखो जब रिमेडिकल देने जाओगे, पहला तो टेंशन लेना नहीं है। आप थोड़ा अच्छा अच्छा सोचो कि मेरा नौकरी हो जाएगा, मैं बीएसएफ बन जाऊंगा, मैं एसएसबी बन जाऊंगा, ऐसा ऐसा ऐसा। देखना, एक अपना सोच बदल जाएगा तो कैसे उधर क्रिएटिव भी होगा, अपना मूड चेंज हो जाएगा। थोड़ा अच्छा सोचना, ठीक है ना। और एक बात, मैं एक दिन दो दिन रिमेडिकल का वक्त थोड़ा मोटिवेशन स्पीच और वीडियो, थोड़ा गाना वाना सुन लेना, अच्छा होगा। और एक बात, मेडिकल सेंटर जब जाओगे तो पानी थोड़ा ज़्यादा पीना। पानी पीने से क्या होता है, पानी पीने से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। इससे आपका जो टेंशन होता है वो भी कम हो जाता है। और एक बात, सूखी ड्राई फ्रूट नहीं खाना, ठीक है। सूखी फ्रूट बहुत सेहत के लिए खराब होता है, खास करके बीपी वालों के लिए। वो थोड़ा जूस वगैरह ऐसा पी लेना, तो नारियल पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा। भाई नारियल पानी बहुत अच्छा काम करता है। और एक चीज़ भाई, जो बंदा रिमेडिकल में गया है, आप सभी दोस्तों मान लीजिए आप रिमेडिकल में गया है, थोड़ा ग्रीन फूड, साग सब्जी ऐसा खा लेना, ठीक है। और एक बात, आप उधर जाके धूप अवॉइड करना। धूप रिमेडिकल में क्या होता है, ग्राउंड में बैठा जाता है तो बहुत सारे बंदे धूप में बैठ जाता है। भाई ऐसा ना करना, जो बंदा खास करके बीपी वालों है, थोड़ा कोशिश करना कि आप साइड में जाओ। और आप सभी को डॉक्टर, तीन डॉक्टर सब रहता है उधर, और आपको 3 से 4 बार चांस देता है, ठीक है। 3 से 4 बार चांस देता है, आप पास हो जाओगे। इसका एक ही फंडा है, आप टेंशन नहीं लो बस, और कुछ नहीं। और एक्सरे वालों भाई, आप सभी लोग, खास करके आप जो इधर एक्सरे में, जब रिपोर्ट एक्सरे आया था तो आपको सभी को इधर एक मिला है ना, ये जो फंडा है इधर कुछ मिला है रिमेडिकल के। तो भाई आप एक काम करना, ठंडी ना लगाओ। ठंडी लगने से क्या होता है, आपके इधर कुछ दिख जाएगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, आपका फिर से ब्लड टेस्ट होगा, बहुत सारे टेस्ट होगा आपका, फिर से हो जाएगा तो आपका फेल हो जाओगे। तो 99% बंदा फिट हो जाता है, 1% अनफिट होता है। तो भाई ठंडी ना लगाओ बस। और एक बात, मैं फर्स्ट प्रिफरेंस के बारे में एक वीडियो लेके आऊँगा, आप कल सुबह वो वीडियो पा जाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों, सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल और लाइक करो। भाई आज इतना ही, आशा करता हूँ कि एक काम के आया होगा आप लोग सभी लोगों को। चलो जय हिंद जय भारत। हाँ फ्रेंड्स, और एक बात, मैंने बीएसएफ हेडक्वार्टर में कॉल किया था, उन लोगों ने बोला कि 15 अगस्त से पहले एक टेंटेटिव डेट है बस, और कुछ नहीं। आप सभी दोस्त बीएसएफ ऑफिस में कल कर सकते हो उधर, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो भाई आज इतना ही, जय हिंद जय भारत।